स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेल्स। अवैध रूप से हथियार लेकर घूमने वाले आरोपियों को शील डाईघर पुलिस ने शील फाटा से गिरफ्तार कर 10 तलवार इनके पास से जब्त किया है। रात के वक्त चोरी के दौरान कोई पकड़े नहीं इन्हें आए तो ये तलवार से उस पर हमला करते। दरअसल आने वाले 2024 लोकसभा की घोषणा हो जाने के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में ठाणे और मुमरा परिसर के शील डाईघर इलाके में रात के वक्त नाकाबंदी में पुलिस ने गाड़ी को रोककर जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसके अंदर से 10 अवैध रूप से तलवार बरामद हुए। डाईघर पुलिस ने पूछताछ में पहला आरोपी गौरव उर्फ बालिया शिवराम वाघे उम्र 19 साल है और अरबाज शौकत अली पठान उम्र 20 साल। इसने बताया कि पैसे और रिक्शा चोरी करते थे और 30 मार्च की रात भी वह चोरी के उद्देश्य से घर से बाहर निकले थे और उन्होंने अपने साथ 10 अवैध हथियार भी लेकर घूम रहे थे। इनके ऊपर कई मामले पुलिस थाने में दर्ज है। शील डाईघर पुलिस ने शील फाटा रोड पर रात में नाकाबंदी के दौरान गाड़ी की तलाशी लेते हुए गाड़ी के अंदर से 10 अवैध तलवार बरामद की है। पुलिस ने आरोपी गौरव उर्फ बालिया शिवराम वाघे 19 साल और अरबाज शौकत अली पठान उम्र 20 साल है आरोपी के पास से अवैध हथियार के साथ हिरासत में लिया गया है। डाईघर पुलिस ने पूछताछ में दोनों ही आरोपी ने बताया कि हम तलवार को इसलिए साथ में लेकर घूमते थे कि ताकि रात के वक्त अगर कोई उन्हें पकड़ने आए तो वो तलवार से उस पर हमला करते थे। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है और कितनी धारदार ये तलवार है। इसके अलावा रात में जब हम चोरी के उद्देश्य से घर से बाहर निकलते और चोरी के दौरान कोई उन्हें पकड़ने आता तो उन पर ये हथियार से हमला करने में ज़रा सा भी नहीं चूकते थे। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी सुभाष बुरसे ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आज रात को ही 30 तारीख के रात को सीपी साहब के आदेश से सब पुलिस स्टेशन में, थाना सिटी के सब पुलिस स्टेशन में नाकाबंदी लगी थी। 1 से 2 के दरमियान वो नाकाबंदी थी। नाकाबंदी के शीर डाइगर का जो पॉइंट था उस पर PSI शिंदे और उनकी टीम नाकाबंदी का काम कर रही थी। तभी एक रिक्शा आ गई, लेकिन पुलिस को देख के वो भागने का कोशिश उन्होंने की तो 2 लोगों को पकड़ा गया और पूछताछ करने पे उन्होंने बताया कि ये रिक्शा चोरी करके जा रहे थे इसलिए वो भाग रहे थे। रिक्शा का झड़ती लेने के बाद उसमें 3 हथियार मिले और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी गहराई से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने और कुछ खुलासे किए। उस आधार पर उनके घर की झड़ती ले गई तो उसमें 7 हथियार और मिल गए और उसके पहले उन्होंने जो 2 गुने किए थे रिक्शा चोरी के वो भी कबूले हैं। तो इस प्रकार से 3 रिक्शा चोरी के और 10 हथियार इसमें हमने बरामद किए। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी गौरव वाघे करके है और उसका दोस्त है अरबाज पठान। ये एक भंडारली गांव के डाइगर के एरिया में। आचार संहिता लागू है, इसमें इस तरीके से हथियार को जो अवैध तरीके से अपने साथ में लेके घूमना, आपके माध्यम से यूथ पीढ़ियों को क्या मैसेज मिलेगा? हमारा मैसेज तो यही है, हथियार रखना ही गैरकानूनी बात है तो आप इसको मत रखिए, नहीं तो आपका करियर खराब हो जाता है। पुलिस रिकॉर्ड पे आपके दिल में कुछ नहीं होगा तो भी आप पुलिस रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। हथियार मत रखिए और ऐसे कोई रखता है तो हमें उसकी इतना वो पहले से हथियार अभी तो चोरी करने गए थे रिक्शा का उसमें इसलिए रखा होता उन्होंने। उनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड पे पहले पा रहा है। चोरी करने जा रहे थे? नहीं, ये रिक्शा चोरी करके जा रहे थे। क्या क्या चीज़ बरामद?
रिक्शा और तीन रिक्शा, बाद में वो टोटल तीन रिक्शा और 10 हथियार जमा।